हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ न्यू मदर के लिए डिलीशियस सांदे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 kg मैंने गेहूँ का आटा लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ 1 किलो गेहूँ का आटा लिया जिसको मैंने छान लिया है अच्छे से। तो एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे मोटे तले की, जिससे हम आटे को भूनेंगे तो वो मैं पैन में ना लगे। तो फ्लेम को मैं यहाँ पे मीडियम लो रखूंगी और लो मीडियम फ्लेम पे ही इसको आटे को हम भून लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको भुनने में, क्योंकि हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे भून कर तैयार करेंगे। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसको भून लेंगे और इसमें से काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो इसको मतलब हमारा जो आटा है अच्छे से भून चुका है। आटे को लगातार चलाते हुए हमें इसको भूनना है। तो आटा हमारा भून चुका है, तो मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे। जितने भी हम ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करेंगे सभी को हम देसी घी में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर भी, और मैंने जी यहाँ पर इन सभी ड्राई फ्रूट को 1 कप से इनको नाप लिया है। तो मैंने 1 कप में इसमें बादाम ऐड किए हैं, जिनको मैंने मीडियम लो फ्लेम पे ही भून लिया है। तो बादाम को हमने सबसे पहले ऐड किया है, क्योंकि बादाम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं फ्राई होने में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें जब हाफ हमारे बादाम फ्राई हो गए थे उसमें मैंने काजू ऐड कर दिए हैं। और एक पैन में ही हमारा काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी तरीके से मैंने इनको फ्राई किया है। दोनों चीज़ों को फ्राई होने के बाद मैंने इसमें 1 कप ही किशमिश ऐड कर दिया है। तो 1 से 1.5 कप इसमें किशमिश है। तो इसको भी मैं हल्का सा ही फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा हमें किशमिश को नहीं फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्ट में कड़वी लगने लगती है अगर हम इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे। तो सेम पैन का यूज़ करते हुए मैंने इसमें देसी घी ऐड कर लिया है 2 serving spoon। तो उसमें 1 कप ही मैंने इसमें गोंद ऐड किया है, गोंद कतीरा। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से फूल चुका है। तो थोड़ी देर में ही अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो सेकंड बैच को भी सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। 1 कप ही मैंने इसमें मगज ऐड किए हैं, खरबूजे की गिरी, और थोड़ा सा मैंने इसमें घी ऐड किया है। और इनको भी हम मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं इनका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है और ये चटकने लगते हैं। तो इसका मतलब हमारे जो मगज हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप ढाक की कनी ली है। तो हमारे यहाँ इसको ढाक की कनी बोलते हैं, जो न्यू मदर्स को इस तरीके से पंजरे में दी जाती है। और ये ढाक की कनी कमर दर्द में बहुत फायदा करती है, इसीलिए न्यू मदर की जो पंजरी बनाई जाती है, सांदा बनाया जाता है, उसमें इसको जरूर ऐड किया जाता है। आप सभी के यहाँ क्या बोलते हैं इसको, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मैंने पैन में 1 tablespoon देसी घी ऐड किया है और मैंने इसमें 1/2 कप जीरा ऐड किया है और 3 tablespoon इसमें अजवाइन ऐड किया है। और इनको भी लो फ्लेम पे हम भून लेंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रंची, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें जीरा अजवाइन को भूनने के बाद मैंने 2 बड़े साइज के गोले लिए हुए हैं। तो सूखा इसमें नारियल ऐड करेंगे, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसको भी लो फ्लेम पे कुछ देर के लिए हम फ्राई करेंगे। तो इसका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। बहुत ज़्यादा गोले को नहीं फ्राई करना है। तो गोले अभी हमारा फ्राई हो चुका है। और मैंने यहाँ पर 3 से 4 कप मैंने मखाने लिए हुए हैं। मखाने को भी हम लो फ्लेम पे इनको भी फ्राई कर लेंगे। और इस तरीके से आप मखानों को चेक कर सकते हैं, आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा क्रंची हो चुके हैं। तो सभी को मैंने अलग थाली में इनको रख लिया है। और बादाम काजू हमारे ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं। तो इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी मैं। और आटा भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो इसमें सारे हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें गोंद ऐड किया है, फिर मैंने मगज इसमें ऐड कर दिए हैं, खरबूजे की गिरियां जिनको फ्राई किया था, कटे हुए काजू और बादाम भी इसमें ऐड कर देंगे, और किशमिश भी ऐड कर देंगे, कनी ऐड कर देंगे इसमें, और जीरा अजवाइन जिसको मैंने फ्राई किया था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, कटे हुए मखाने भी ऐड कर देंगे। तो मैंने इन सभी चीजों को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। तो बाकी बचे हुए बादाम और काजू भी मैंने इसमें ऐड कर दिए, सभी को छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। आप चाहें तो इसको मिक्सी के जार में डालकर भी हल्का सा चर्न कर सकते हैं। और फ्राई किया हुआ इसमें मैंने गोला भी ऐड कर दिया है। मीठे के लिए मैंने इसमें 500 ग्राम
बूरा लिया है, बूरा तगार आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चीनी को मिक्सी के जार में डालकर सिंपल इसको इसमें मिक्स कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें बूरा ऐड करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है, तो 1 kg मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है, और देसी घी को मैं हल्का सा गर्म कर लूँगी जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा मिक्स करना। तो घी को मैंने गर्म करने के बाद इसमें ऐड किया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे, और इसमें थोड़ा ज़्यादा ही घी जाएगा, इसको मिक्स कर लेते हैं और पहले चेक कर लेते हैं। और मैंने इसमें 500 ग्राम बूरा ऐड किया है। अगर आप थोड़ा मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ऐड करें, बट मैंने बहुत ही कम इसमें मीठा रखा है। तो मैंने यहाँ पर 1 kg देसी घी इसमें ऐड किया है, और मैंने 250 ग्राम इसमें देसी घी बाद में ऐड किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर 1.25 किलो मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से इसमें ये पंजीरी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। न्यू मदर के लिए इसको बनाया जाता है, और विंटर में तो सभी इसे इंजॉय करते हैं, बनाया कर खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है विंटर में। ये न्यू मदर के लिए सांडा बनकर तैयार हो चुका है। आई होप आज का वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मेरी रेसिपी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।